तो यहाँ देखो आप साइड में कितनी खाइयाँ पड़ी हैं, ये रोड है और ये खाई में कहीं रात में अगर ना टायर गलती से घुस गया, गाड़ी यहाँ से चली हो, कहीं पास वगैरह देना हो, ऐसे सोचे ड्राइवर की साइड को है, क्योंकि रात को ज़्यादा दिखता नहीं है जिनको रोड का पता नहीं है। पूरी रात सो नहीं पाई हूँ मैं, क्या मतलब हमारे इलाके के, मुझे लगता है जितने भी लोग हैं वो आज पूरी रात सो नहीं पाए होंगे। नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है, हद हो गई। अब तो मौसम देखो अभी ठीक ठाक खराब हुआ है, पूरा कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा फॉग है, बारिश बहुत तेज हो रही है, वहाँ से हमारा रोड जाने वाला है और कुछ नहीं दिख रहा है। और ऐसे बारिश के मौसम में मैंने बनाई है मैक्रोनी चाय, ये पानी सेवा के लिए जा रहा है, साथ में मैक्रोनी भी है। जेकी जेगू आगे तक देखो रास्ता दिख रहा है, इस तरह से धुंध पड़ी हुई है, शाम का टाइम हो गया और धुंध देखो कितनी पड़ी हुई है, आगे रास्ता नहीं दिख रहा है। हेलो एवरीवन, मैं लत्तू स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लत्तू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मौसम, हम सोच रहे हैं कि बरसात उठ जाएगी लेकिन बरसात उठने का नाम ही नहीं ले रही है। इस बार अगस्त में ऐसी बारिश मैंने नहीं देखी थी, दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है, कल भी बारिश थी, आज भी बारिश है। आज तो ऐसा मौसम इतना डरावना बना हुआ है ना, मतलब उस मोड़ तक देखो कुछ नहीं दिख रहा, इतनी फॉग है। तो जाते हुए भी मुझे, मैं जैकी को, शाम का टाइम हो गया, मैं जैकी को घुमाने ले जा रही हूँ, शाम को डर लग रहा है, पीछे मेरी जिठानी भी है, साथ में शिवा भी है और सुबह आ चली है पुराने घर क्योंकि आज उसको छुट्टी है, ब्लॉग में रह सकता है दो तीन दिन लेट हो। तो अभी अभी यहाँ पर स्लाइड हुआ है बहुत खतरनाक वाला, तो मेरे को पुराने घर से फ़ोन आया था, हमने सोचा कि शायद वो जैकी को घुमाने गई होगी तो उसको बता देते हैं, कहीं वो तो नहीं थे उधर, मतलब इसी साइड हमारी साइड ही हुआ है। और स्लाइड तो इतने हो रहे हैं कि कुछ मत हमारे वाले एरिया में, जैकी अभी खींच लगा रहा है क्योंकि उसको चलते जाना है आगे, तो सोच रहा है कहीं यहाँ से मेरे को वापस ना कर दे। तो स्लाइड मतलब मेरे मायके वाली सड़क को तो इतने हुए हैं कि वहाँ से रोड बंद हो गया, तो मेरे भाई को गाड़ी हमारे घर में पार्क करनी पड़ रही है, शायद पीछे आ रहे हैं बच्चे, दिख नहीं रहा है कुछ भी, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है पीछे, इतनी खराब हालत है। अब इसको तो घुमाना, साथ में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, जय माता की, पहुंच गई मंदिर में। और ये आगे कोई खींच रहा है, देखो ये आगे जाना है, मेरे को उसको पता है कि यहाँ मंदिर से ले जाती है वापस, तो ये बस आगे कोई ले जा रहा है। कि बहुत सारे फ्रेंड आए होते हैं, मतलब काले काले जो होते हैं ना आवारा डॉग्स, वो आए होते हैं, फिर अगर वो उसको मिल गए कहीं तो उनके साथ इसकी फाइट होती है बॉस, फिर ये कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो मैं इसलिए आगे नहीं, लेकिन इसे सपोर्ट ऐसे नहीं करेगा, आगे देख देखो इतनी खींच लगाई है इसने, और इसको आवारा नहीं छोड़ सकते, आप बोलते हो ना कि इसको खुला छोड़ दो, तो इसको खुला नहीं छोड़ सकते, अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो ही रही है सर, सभी सर पर भी पड़ रही है। रोड दिखाऊंगी मैं आपको, देखना कितनी खाइयाँ पड़ी है, ऐसा लगता है कि कभी भी ये रोड भी जा सकता है, तो रोड तो मतलब जो पक्के रोड जो कभी ना जाने वाले रोड है वो भी हाँ जी बंद हो चुके हैं, वहाँ पीछे से मेरे को आवाज़ लगा रहे हैं, कोई नहीं दिख रहा है, देखो थोड़ी सी दूरी है और तेज लगी बारिश, चलते हैं, चल देखिए आ जा, पोटी तो तूने की नहीं, तुम दोनों कहीं नहीं दिख रहे हो, मंदिर में जाओ, मंदिर में, हाँ मंदिर में चले जाओ, चलो शाबाश, चप्पल पहनो और आ जाओ, आ जाओ जल्दी। बारिश थोड़ी तेज लग गई है, मुझे लगता है जब तक हम घर पहुंचेंगे तो पूरा भीग चुके होंगे, वहाँ पे शिवा भी है, साथ में आयांश और उनकी ताई जी। इस मासे को खाना है, घास ही खा रहा है अभी, घास ये देखो घास खाने वाला, मुझे लगता है जो स्लाइड हुआ है ना वो नीचे वाले रोड पे हुआ होगा, क्योंकि ऊपर वाले रोड पे तो मुझे यहाँ कहीं दिखा नहीं, क्योंकि नीचे वाले स्लाइड रोड पे बहुत स्लाइड हो रहे हैं, जहाँ पे शुरू हो जाता है स्लाइड ना वहाँ पे बार बार स्लाइड होता रहता है, तो इस वाले रोड पे स्लाइड हुआ होगा। और इसको शायद और कुत्तों की स्मेल आ रही है, सूखता हुआ चल रहा है, बारिश लगी है तो फ़ोन मेरा गिल्ला हो चुका है, थोड़ा सा बनाऊँगी अभी ब्लॉग आगे, चल चल जाए कि इसने पॉटी नहीं की है, सोच रही हूँ पॉटी कर लेता वरना रात को तंग करेगा। तो यहाँ देखो आप साइड में कितनी खाइयाँ पड़ी हैं, ये रोड है और ये खाई में कहीं रात में अगर ना टायर गलती से घुस गया, गाड़ी यहाँ से चली हो, कहीं पास वगैरह देना हो, ऐसे सोचे ड्राइवर की साइड को है, क्योंकि रात को ज़्यादा दिखता नहीं है जिनको रोड का पता नहीं है, तो यहाँ से सीधा गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाएगी, इतनी बड़ी खाई पड़ी है इधर।
ये हालत है अभी, जो भी इतनी बरसात नहीं मैंने देखी थी कभी भी, जिस हिसाब से अभी बरसात हो रही है उस हिसाब से नहीं होता था। कुछ लोगों का कहना है कि ये मतलब कमेंट में पढ़ रही थी, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन कि हाँ ये हिमाचल का नाम ख़राब कर रही है। तो हिमाचल का नाम ख़राब नहीं कर रही हूँ भाई, जो हिमाचल से बाहर आजकल घूमने आते हैं ना उनको आगाह करना पड़ता है। आपने देखा होगा मनाली में वो जो बाढ़ आई थी तो कितने लोग वहाँ पर बाहर के फंस गए थे। हाँ बीच में बोलते बोलते रुक गई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डॉग आ गए थे आगे जैसे मैंने बताया, और फिर जैकी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। एक बार तो लगा था उसको छोड़ दूँ, लेकिन फिर लगा कि मैंने कहा बस इसको काट देंगे सारे, उनकी भयंकर वाली लड़ाई होगी, फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए तो मैं बोल रही थी कि ऐसे कमेंट मैंने पढ़े थे, ज़्यादा नहीं एक नहीं कमेंट किया था शायद, तो मैं सुना रही थी जैसे वहाँ पे मनाली में वो हुआ था, बाढ़ आई थी, बहुत सारी वहाँ पे जो गए थे घूमने मनाली में आई थी तो वहाँ पे वो फंस गए थे। और तो इस तरह से मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से महीने घूमने होते हैं। जब बरसात का टाइम है तब तो हिमाचल में आना अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लैंडस्लाइड होते हैं, जगह जगह फंस जाते हैं। और जो प्लेन एरिया है वहाँ पे तो आज इतना सारा पानी था, जैसे भाई वगैरह मेरा बता रहे थे कि पूरी गाड़ी डूब रही थी, तो उन्होंने गाड़ी अलग जगह पार्क कर दी थी क्योंकि उनका काम ऐसा है उनको सुबह सुबह जाना पड़ता है, तो उनको गाड़ी अलग जगह पार्क करनी पड़ी थी। ऐसे हाल है, तो आजकल तो अवॉइड ही करना चाहिए घूमना भी। और हाँ जी हाँ ठीक है, अभी हो गया है रात का टाइम, शिवा यहाँ पे सो चुका है और डिनर वगैरह हमारा हो गया है क्योंकि यहाँ पे लाइट चली गई थी, मतलब आ रही थी जा रही थी, ऐसा ही है आज बरसात, बरसात में ऐसा ही होता है। और बारिश तो लगातार हो रही है, अभी भी हो ही रही है बाहर, और अभी भी फॉग इतना ज़्यादा है, मतलब थोड़ी दूर में भी नहीं दिख रहा है कुछ भी। तो चलिए, अभी मेरे सर में कुछ पेन जैसा हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन आँखों में भी, आँखों के अंदर से पेन हो रहा है। चलिए अभी मैं सुबह मिलती हूँ आपसे बिल्कुल अच्छे से होके। गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पे सुबह का टाइम हो गया है और सुबह सुबह भी मौसम आप देख सकते हो और बारिश की आवाज़ भी सुन सकते हो, ठीक ठाक बारिश अभी लगी है। मगर मुझे जैकी को घुमाना था तो उसको मैं सिर्फ लेंटर पर लेके गई, उसे सुसु वगैरह करवाया, नहीं घुमा सकते ऐसी बारिश में, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, ये तीन दिन से लगातार ऐसी बारिश हो रही है। और अभी तो स्लाइड का बहुत भारी खतरा है क्योंकि अब धरती तो पूरी मतलब पानी पानी हो गया है अंदर, कितने टाइम से बारिश लगी हुई है लगातार, और ये बरसात क्या बरसात, जैसे सर्दी उठने लगी उस टाइम से ये बारिशें लग गई है। और इस तरह से सोच रहे हैं कि बरसात उठ जाएगी, पता नहीं कब उठेगी, तो बहुत ही बुरा है मौसम के नज़ारे, देख लो पानी पानी इधर देखोगे, बस मुझे तो ये वाला ख़तरा भी है कि पता नहीं कब चला जाएगा, यहाँ से भी हमारी ज़मीन बैठ गई है और इधर से भी बैठा हुआ है ये। उठ चुका है और उठे हुए तो वैसे शिवा को काफ़ी टाइम हो गया, शिवा ने ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया, क्यों शिवा है ना। हाँ, और ऐसे मौसम में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम घुट रहे हैं, घुटन बिल्कुल कुछ नहीं दिखता बाहर रोड तक। पुरानी ज्योमेट्री देखो, पूरा ऐसा लग रहा है बादल ज़मीन पे आ गए हैं, कुछ नहीं दिख रहा है दूर दूर तक, दूर दूर से नज़दीक भी नहीं दिख रहा है, घर भी नहीं दिख रहे हैं। तो चलो भाई, अभी मेरी क्लीनिंग चल रही है और लाइट वगैरह है नहीं हमारे, तो आपको मौसम अच्छा लग रहा है नहीं। ये मौसम अच्छा लग रहा है आपको नहीं। कैसा लग रहा है, गंदा लग रहा है, कहाँ क्या लटका है, ओ माई गॉड ये कुछ है मच्छर जैसा बड़े वाला, मच्छर नहीं है वैसे कुछ और है, क्या ये नहीं है मच्छर कुछ और है, कुछ और ही होता है, कुछ और होता है जैसे टिड्डा टुड्डा कुछ उस टाइप में है ये, हैं हाँ उस टाइप, बड़ी बड़ी टांगों वाला ऐसे ही है ये, कुछ टिड्डा टुड्डा कुछ हेलो एवरीवन, सो मैं गई हूँ पुराने घर अपने एंड मैं उसी पानी से आई हूँ चल के, एंड अभी हम जा रहे हैं जैकी को वाक पे लेके एंड मैं नहाई हुई हूँ। थोड़ा जूम करके दिखाओ, जूम कर वहाँ देखो कितना सारा पानी है हेड में, और ऊपर दिखा उस पे भी पानी पानी है, पूरा रोड पे आ रहा है।
चार्ट बनी रहे थे ना एक हाँ। आंसर का था ये चार दो रास्ते बने थे पहले घर से दो दिन पुराने वाले घर पे रहते एंड मैंने आपको दिखा दिया क्या हाल है हमारे सैया का और अभी हम आए हैं जैकी को वॉक पे लेके जैकी है मम्मा है शिवा है और ताईजी है और मैं हूँ और हमारे सर इधर इस वाली हाँ और बारिश का मौसम दिख रहा होगा एंड अभी सड़क का ये सड़क में भी देखो यहाँ पे स्लाइड हुआ है यहाँ देखो पूरी मिट्टी गिर गई एंड सड़क का भी ऐसा ही हाल है पानी भूमि भर गया यहाँ पे और मेरे बालों को प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि वो मैं नहाई हूँ तो मेरे बाल सूखे नहीं थे तो मैं सुखाने के लिए इनको खुला छोड़ा हुआ है और मैं आते आते पानी नहीं बनाई मैंने देख लो भाई बारिश का क्या मौसम बन रहा है काले काले बादल तो वहाँ पे तो धुंध भी आ गई हल्की हल्की तो अभी देखिए जो मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ ये जो क्लिप दिखा रही हूँ ये मंडे का है जिस दिन सुबह सुबह मैं जैकी को घुमाने ले गई थी मतलब इसी रोड से मैं जैकी को घुमाने ले जाती थी घर से बस 2 मिनट की दूरी पे हार्डली होगा 2 मिनट भी नहीं लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में तो यहाँ पे देखा तो पूरा रोड टूटा हुआ है क्योंकि पिताजी जैसे जैसे हमारा पुराना घर है ना वहाँ से दिखता है सब कुछ इधर को तो वो यहाँ पे देख रहे थे उनको मतलब पूरी धुंध पड़ी हुई है जैसे कि अभी भी आप देख रहे हो तो उनको बस आवाज़ें सुनाई दे रही थी और थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था कि बहुत बड़े बड़े पत्थर और ऊपर से आ रहे हैं तो ऐसा नहीं पता चल रहा था कि वो ऊपर वाला रोड है क्योंकि इससे नीचे भी रोड है तो सारा जितना भी मलबा है वो नीचे वाले रोड पर जा रहा है और पूरा रोड टूट चुका है तो इतने खतरनाक हालात मैंने अपनी लाइफ में अपनी साइड कभी नहीं देखे थे जितने अभी हमारे हो चुके हैं मतलब इतनी मजबूर और इतनी लोगों को मैंने बेघर होते हुए देखा इतनी ज़्यादा बहुत ख़राब हाल है और आप बोलते हो कि हिमाचल का नाम ख़राब कर रही है आप खुद ही डिसाइड कर लेना जो भी एक आधा कमेंट आया था तो यहाँ पे आप देख सकते हो और अभी भी हमारे हालात बहुत खतरनाक बने हुए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस तो अभी आपने देख लिया मतलब अभी भी बारिश हो रही है 4th दिन है बारिश का ये और आज तो ठीक ठाक तबाही हुई है तो इतनी खतरनाक तरीके से बारिश हुई है ना सारी रात भर बारिश होती रही है लगातार मतलब आज तो मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ मैं क्या मतलब हमारे इलाके के मुझे लगता है जितने भी लोग हैं वो आज पूरी रात सो नहीं पाए होंगे बहुत बुरी तबाही हुई है मतलब हमारे जो इलाकों में है ना जगह जगह कहीं बादल भी फटे हैं और हर जगह मतलब हमारे इलाके में इतना नुकसान हो रहा है हद हो गई। अब तो जो रोड आपने देखा जैसे मैंने पहले क्लिप डाल दिया वो सुबह मैं जब जैकी को घुमाने गई थी तो वो पूरा रोड जा चुका था। कल मैं उसके बारे में बात कर ही रही थी कि मैंने कहा ये रोड यहाँ से जाएगा और मैं सुबह भी घर को भी बोल रही थी मैंने कहा इस वाले रोड से नहीं आप चलो नीचे ऊपर वाले रोड से चलो और कल मैंने एक शॉर्ट्स डाला था तो वो शॉर्ट्स को आप जरूर देखिएगा जब मैं बारिश के बारे में बता रही थी वो मैंने चलते चलते उसी टाइम शॉर्ट्स बनाया था मतलब शनिवार को 13 तारीख को आज 14 है तो आज तो हालत ख़राब है। अब तो लाइट वगैरह भी नहीं है कल मतलब लाइट तो ऐसे भी आ रही थी जा रही थी और रात को पता क्या हुआ जैसे वो बारिश हो रही थी ना तेज़ तो उस बारिश में हम मतलब मेरे को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई क्योंकि ऐसा लग रहा था क्योंकि हमारा जो घर है ना इसके पीछे भी पत्थर हैं बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं तो इनसे डर लगा रहता है कि कहीं भी पत्थर आ सकता है हमारे भी और हमारे पुराने घर में उसमें फिर से वैसा ही फ्लैश फ्लड वही हालत हो गए हैं। लेकिन इस बार वो है कि मिट्टी वाला पानी नहीं आया पानी इस बार साफ था और पानी आधे आंगन तक आ गया था पूरे आंगन तक तो नहीं आया था लेकिन गाय वगैरह का फिर से वैसा ही भर गया था। रात को पिताजी ने कॉल की थी तो उन्होंने बताया कि अब फिर से वैसे ही हाल हो गए हैं इधर तो मेरे को नींद तो आ ही नहीं रही थी ऐसा लग रहा था। फिर मैं अपने जो पीछे वाला रूम है हमारा वहाँ से मैंने शिवा को भी उठाया उसको मैं मेंटेन छोड़ना चाहती थी अपने से दूर तो उसको मैंने उठाया फिर यहाँ पर हमारा सिंगल बेड लगा है तो यहाँ पर मैंने फिर उसको सुलाया फिर तब करके डर इतना बैठ गया मतलब मन में ना और सुबह जब देखा तो पिताजी को कॉल की फिर से वापस तो उन्होंने बताया कि जैसे उधर दिख जाता है ना सामने कि वहाँ से ऊपर पूरा धुंध पड़ी हुई है बाहर तो वो बोल रहे थे कि बहुत बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं और पूरा ऊपर से स्लाइड आ रहा है मतलब ऐसा लग रहा है मिट्टी मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर जो खड्ड में नीचे जाके गिर रहे हैं मतलब एक रोड हमारा नीचे है काफ़ी नीचे और एक रोड ऊपर है तो ऊपर वाला रोड जो आपने देखा वो पूरा बंद हो चुका है और वो रोड तो मुझे लगता है 2 महीने तक वो कहीं सुधर सकता है वो रोड तो यहाँ पे बसेस वगैरह मुझे लगता चलेगी अब और ना ही ऊपर से कोई स्कोप है उसको बनने में अभी वो रोड और भी जाएगा
और नीचे तक पूरा दूसरा जो रोड है वो भी पूरा मलबे से भर चुका है, और उससे नीचे बहुत नीचे जाके खड्डे हैं, तो वहां तक पूरे पत्थर और वो मलबा जा रहा है। तो ऐसी हालत थी रात को हमारी, और पूरी मतलब सुबह तक तो मैं सो ही नहीं पाई हूँ बिल्कुल भी। सुबह के टाइम मेरे को नींद आई है, कहीं जाके वो भी 5-6 बजे मेरे को नींद आई होगी। तो बस इस तरह से हालात हैं। और बाकी आपकी क्या हालात है? अभी हमारे यहाँ पे अलर्ट है, 4 दिन से लगातार मौसम पैक है, इसी तरह से बना हुआ है। 5 दिन का भी और अलर्ट है। अभी भी बता रहे हैं मौसम विभाग वाले कि अभी यहाँ पे और बादल फट सकते हैं जगह जगह, पता नहीं अभी क्या होगा। और ठीक है, चलिए अभी ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास बैटरी भी नहीं है फ़ोन में। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। होप कि हालात हमारे सुधर जाएं। हो सकता है मैं 2-3 दिन के बाद ब्लॉग बनाऊं, जब लाइट आए उसके बाद मैं ब्लॉग बनाऊं, हालात आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।